करनाल की पुलिस लाइन स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में नए वर्ष के उपलक्ष में 11 कुंजीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं हवन यज्ञ में आहुति डाली। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मौके पर कहा कि नव वर्ष पर लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें लोग होटलों रेस्टोरेंट में जाकर नए वर्ष के कार्यक्रम मनाते हैं, परंतु डीएवी संस्था द्वारा नए वर्ष का स्वागत 11 कुंजीय हवन यज्ञ कर किया गया, जो भारतीय वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि डीएवी संस्था आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, जिसमें हवन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हवन यज्ञ करने से वातावरण स्वस्थ हो जाता है और जो नकारात्मक चीजें वायुमंडल में होती हैं उनका नष्ट होना भी हवन यज्ञ से ही निश्चित हो जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से बेहद चिंताजनक रहा है, जिसमें लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा एवं कई अपनों को भी कोरोना महामारी के चलते खोना पड़ा, परंतु नया वर्ष सबके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जिसका डीएवी पब्लिक स्कूल में हवन यज्ञ कर स्वागत किया गया। उन्होंने इस मौके पर पुलिस के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि डीएवी पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाता है। उसी कड़ी में आज हवन यज्ञ कर नए वर्ष का स्वागत किया गया। बताते चले कि करनाल की पुलिस लाइन स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में नए वर्ष के उपलक्ष में 11 कुंजीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं हवन यज्ञ में आहुति डाली। चाहते हो आज 11 कुंडिया हवन यज्ञ को लेकर? हाँ जी, सबसे पहले तो सभी करनाल वासियों को डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन करनाल की ओर से आईजी करनाल जो हमारे चेयरमैन हैं मिसेस भारती अरोड़ा और एसपी करनाल गंगाराम पुनिया जी जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं स्कूल के, सबकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और 11 कुंडी हवन के लिए यही कहना चाहूँगी कि न्यू ईयर जो है नाच गा के तो सब कुछ सारे सेलिब्रेट करते हैं, बट हमारे डीएवी का इतिहास और परंपरा है कि ईश्वर का नाम लेके जो है अच्छे काम की शुरुआत की जाए, तो हमने सोचा कि जो नव वर्ष है क्यों ना हम हवन तो देखिए पहले करवाते हैं, तो 11 कुंडी हमने पहली बार करवाया है, तो बिल्डिंग हमारी न्यू है और न्यू ईयर भी है, तो हमने सोचा क्यों ना 11 कुंडी हवन करवाया जाए। और जैसे कि लास्ट ईयर इतनी सारी टेंशन वाला ईयर सबके लिए गया, तो क्यों ना ये साल सबके लिए खुशियां लाए और भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर बरसे। बिल्कुल, जो 11 कुंडिया हवन यज्ञ उसमें जो पार्टिसिपेट है, जो कहीं ना कहीं वो भाग ले रहे हैं, वो कौन लोग हैं? पेरेंट्स? हाँ जी, मैं बताती हूँ। हाँ जी, पेरेंट्स हैं हमारे बच्चे, हमारे बच्चों को सबको हवन आता है अच्छे से, क्योंकि रेगुलर हमारे करिकुलम का पार्ट है ये। और आज हमारे साथ रेणु बालाजी आने वाले थे, एसपी करनाल, उनकी फैमिली सबको उन्होंने इन्वाइट किया था। रेणु बालाजी की कोई मीटिंग आ गई, एसपी सर एचटेट के एग्ज़ाम में थोड़ा बिजी हैं, बच्चे आए हैं उनके, वो स्टेज पे रहेंगे मेन जो हमारा हमने बनाया है। तो आर्य समाज से आनंद आर्य जी आए हैं, स्वतंत्र कुकरेजा जी हैं जो महामंत्री हैं आर्य समाज के, और सत्येंद्र मोहन जी आए हैं, हमारे समर्पण मानव सेवा समिति से दिलबाग कादियान जी हैं जो प्रधान हैं। तो ये जो भी हमारे मेन गेस्ट हैं सारे आज हवन कुंड पे यजमान के रूप में बैठे हैं। हाँ जी, आप करनाल वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो न्यू ईयर की? बिल्कुल, मैं करनाल वासियों को कहना चाहती हूँ कि डोंट लूज द होप। जो लास्ट ईयर हुआ सबको बड़ी टेंशन हो गई, क्या होगा बिजनेस का, क्या होगा स्टडी का, क्या होगा, मगर देखिए ऊपर ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है। तो भगवान ने, अगर कोई सिचुएशन लाइफ में आई है तो हमें लेसन देने के लिए आती है कि कैसे हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। कोई बात नहीं, एक टाइम आया वो चला जाएगा, अब इतना आशीर्वाद बरसेगा कि जो भी कमी रही है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा सब। तो हमें टेंशन नहीं लेनी, सबको सीखना और आगे बढ़ते जाना है। हैप्पी न्यू ईयर और खुशियों भरा ये साल आप सबके लिए होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।